नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया जॉब एंड टीम। आज हम आपके लिए लेके आए महाभर्ती कवरेज जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज ही आई है। ये क्या है, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर एवं आरक्षी घुड़सवार पुलिस के हेतु पदों पर सीधी भर्ती आई है। बहुत वेकेंसी आई है, ये समझ लो बम्फर धमाका है, पा लीजिए जॉब। और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग। इसको छोड़िए, मेन मुद्दे पर जाते हैं। क्या है इसमें 29 नंबर, ये देखिए, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जेल वार्ड एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2018 29 नंबर को अपडेट हुई है। 29 नंबर 2018, ये देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2018 के अंदर रिक्त पदों हेतु वेतन 21,700 से आपका 81,100 रुपये है और इसको भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, आपको आमंत्रित। और इसमें देखिए क्या है, 3 श्रेणियों में आपको ये दे रखे हैं, जेल वार्डर पुरुष, जेल वार्डर महिला और आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष। सब महिलाओं के लिए इसमें अलग वेकेंसी आई है। अब देखते हैं जेल वार्डर पुरुष में क्या है, क्या वेकेंसी। अनारक्षित जनरल कैटेगरी में 1507 1507 वेकेंसी है, 1507 वेकेंसी। और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग में देखी 813 वेकेंसी आई है, और अनुसूचित जाति SC में 632 वेकेंसी है, और अनुसूचित जनजाति में ST में 60 वेकेंसी। मतलब 312 वेकेंसी आपकी जेल वार्डर पुरुष में और महिलाओं के लिए। अनारक्षित पदों की संख्या मतलब जनरल कैटेगरी में 314 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा OBC में 169 वैकेंसी, अनुसूचित जाति में 131 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति में 112 वैकेंसी है, मतलब टोटल 626 वैकेंसी है। और घुड़सवार में देखिए अनारक्षित जनरल वर्ग में 51 वैकेंसी, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 28 वैकेंसी, अनुसूचित जाति SC 21 वैकेंसी, ST 2 वैकेंसी, मतलब टोटल 102 वैकेंसी है। तो ये एक महाकवर है, मतलब टोटल आपके लिए 3,740 वैकेंसी आ चुकी है। और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। हाँ, इसमें जो रिलैक्सेशन है 2% होना है ये इसके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है। और नीचे देखते हैं, हाँ समय सारणी देखते हैं, ऑनलाइन क्या आवेदन प्रणाली चलेगी। 8 दिसंबर से स्टार्ट होने हैं आपके ऑनलाइन आवेदन और 28 दिसंबर तक चलेंगे। और जो फीस है जो 31 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हो। और फीस क्या है, 400 रुपये है, 400 रुपये ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हो। आवेदन शुल्क में छूट है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ये लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, आप डायरेक्ट जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर देखिए नोट, पूर्व में उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में पुरुषों के लिए जेल वार्डर, महिलाओं के लिए जेल वार्डर पदों पर सीधी भर्ती 2016 के अंतर्गत जो अंतर्गत आवेदन वाले अभ्यर्थी हैं आज घुसवा पुलिस के पदों पर द्वितीय वरीयता देते हैं, उन्हें पूर्ण आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा 400 रुपये। और नीचे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, आप टेंशन लड़ो, पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं डेली नई नई जॉब के बारे में नोटिफिकेशन। ये देखिए, हमने पहले ही बोला था हम आपके लिए लेके आएंगे सबसे पहले, और आगे लेके देख लीजिए। आयु 18 से 22 साल की होनी चाहिए आपकी, देख लीजिए महिलाओं की भी 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए। और ये देखिए नीचे, चरित्र ठीक ठाक होना चाहिए आपका। इसमें क्या है, वैवाहिक स्थिति में नियुक्ति के लिए एक ऐसा पुरुष वृत्ति पात्र होगा जिसका एक से अधिक पत्नी, मतलब आपकी मेरिट कैंडिडेट भी इसमें भाग ले सकते हैं। जो भर्ती की चयन प्रक्रिया है वो क्या है, उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग नियमावली 2016 के अनुसार उत्तर प्रदेश घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2016 के दिन की जाएगी। यह नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और आपकी लिखित परीक्षा होनी 300 नंबर की, वो जैसे यूपी पुलिस की हुई थी कांस्टेबल की, ऐसे ही है परीक्षा आपकी होने वाली है। और देखते हैं इसमें वो ही सब्जेक्ट है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि तथा जो रीजनिंग अगर वगैरह सब कुछ है आपका। अब देखते हैं क्या हाइट है पुरुषों के लिए, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर 79 और 5 सेंटीमीटर फैलाव होना चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है, 152 सेंटीमीटर की हाइट है और 40 किलो वेट है। शारीरिक दक्षता परीक्षा मतलब 48 मीटर 25 मिनट में होनी चाहिए, 4800 मीटर आपकी 25 मिनट में होनी चाहिए और 2400 मीटर महिलाओं के लिए 14 मिनट में होनी चाहिए। तो ये सब कुछ दिया गया है,
फॉर्म भर दीजिए, महाभर्ती चल की सेल मान लो, ये सेल चाहिए, लूट लो भर्तियों को अब तुम। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये आयु में छूट मिल रही है आपको, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष, 5 वर्ष ओबीसी 5 वर्ष, देख लिए। और होमगार्ड के लिए जेल वार्डर के पद हेतु क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, होमगार्ड के लिए कोई आरक्षण इसमें अनुमन्य नहीं है। और यह भूतपूर्व सैनिकों के लिए, मतलब आपकी जो रिटायरमेंट से 3 साल की होनी चाहिए, 3 साल से ज्यादा रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए आपका, एक्स सर्विस मैन वालों के लिए। और इसमें नीचे देखते हैं, हाँ आपको जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 अप्रैल 2018 से लेकर दिसंबर तक का होना चाहिए, और मूल निवास भी आपका होना चाहिए। बनवा लीजिए अगर आपके पास है तो, कोई जरूरत नहीं है बनवा लीजिए, नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा आपका जाति प्रमाण पत्र मूल निवास ओबीसी वालों के लिए, मतलब जिनको एज में फायदा उठाना है, जो 5 साल का रिलैक्सेशन चाहते हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र मूल निवास बनवा लीजिए। और इसमें हम बताते हैं आप आगे और क्या क्या नई नई महत्वपूर्ण जानकारी है। और हाँ महत्वपूर्ण सूचना ये क्या है, हाई स्कूल इंटर होनी चाहिए आपको, कोई अगर आपके पास है ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट, एनसीसी वगैरह, तो आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं इसमें। और एक्स सर्विस मैन वालों के लिए भी उनके पास वो पत्र होना चाहिए, निर्गत सेवा प्रमाण पत्र। और जो साइज दे रखा है आपको, जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, उसके बाद नीचे देखिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो इस वेबसाइट पर चलेगी, वो आपको सब दे रखा है। और जो जानकारी आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, ये लिंक हमने नीचे अटैच कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ और होम वेबसाइट भी देख लीजिए। और यूपीएससी का जो रिजल्ट आने वाला है उसकी जानकारी हम आपको तो जल्दी से जल्दी दे देंगे। फोटोग्राफ हस्ताक्षर चेहरे की छवि स्पष्ट स्पष्ट होनी चाहिए, 6 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, वो सारी बहुत पुराने वाली है ये तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।